आइकन अवार्ड मिला है आपको, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन है. मैं बहुत जेनरसली ज्यूरी और जो जिन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और बहुत आइकॉनिक अवार्ड है और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना जिसमें समथिंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी, समथिंग फॉर द कंट्री, तो मुझे कई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कई ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर मैं अपना टैलेंट रिप्रेजेंट कर पाई हूँ, वेयर आई कैन टॉक अबाउट आर्मड फोर्सेस, जहाँ पर मेरी कंट्रीब्यूशन से माय कंट्रीब्यूशन वाज फेलिसिटेटेड बाय आर लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी. और उसके बाद ये अवार्ड मिलना, मैं बहुत ही खुश हूँ. सिंगिंग की बात की जाए तो आप किस प्रकार की सिंगिंग करें? क्लासिकल सिंगिंग में ज़्यादा रुचि आपको कि पॉप सिंगिंग में या फिर हिप हॉप? सो बेसिकली मैं एक अलग ही बैकग्राउंड से आती थी. पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन आई फॉलो माय पैशन, म्यूजिक वाज माय पैशन. आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर इंडियन क्लासिकल. पहली बार नहीं है जब मुझे इस तरह की फीलिंग आई है, क्योंकि इसके पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियन गेम्स क्लोजिंग, विच वॉज 2010, ग्वांगझोउ चाइना में हुआ था. और इट हैड अ रिकॉर्ड बीटिंग ऑडियंस, 8 लाख ऑडियंस, एंड आई हैड 14,000 डांसर्स विद मी. तो वो अपना एक जो आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, तो एक अलग ही एक फीलिंग होती है जब आपकी कंट्री का नाम अनाउंस होता है, दैट यू नो द यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलना तो वाकई आई मीन लाइक नथिंग लाइक इट, तो ये बहुत ही बड़ी बात है. और आज तो आई एम सेलिब्रेटिंग इट, एंड अपने आप में ये एक बहुत दिग्गज पुरस्कार है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया. आई मीन लाइक आई गॉट अवॉर्डेड फॉर दिस. मैम, दादा साहब फाल्के अवार्ड में आपको कैसे सिलेक्ट किया गया? मेरा प्रीवियस काम अगर देखा जाए, जो किया है मैंने, उसको इसको काफ़ी देर से जो रिकग्निशन मिली है, बिकॉज मैं 3 से 4 साल दुबई में एज अ फिल्म एंड म्यूजिक अकेडमी एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करती रही हूँ. और उसके बाद also getting an appreciation from our late president APJ Abdul Kalam ji, my extempo work for the army, जो कि मैं काफ़ी देर से, मैं कह सकती हूँ कि तपती हुई रेत में जहाँ हमारे border हैं, वहाँ से लेके minus degree पे जो altitudes पे जो हमारी फौजें हैं, मैंने वहाँ वहाँ तक perform किया है. तो कई पुराने projects हैं, आने वाले projects हैं. तो in totality जब देखा जाए, also the Asian Games, तो मुझे लगता है कि मेरा जो मेरी म्यूज़िक की तरफ एक कंट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आई हैव मार्क्ड माय प्लेस देयर. मैम, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की बात की जाए तो आपका कहीं ना कहीं उसमें रुचि है या आप जो है करना चाहेंगे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग? देखिए मैं कह सकती हूँ कि आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड. बॉलीवुड के मेरे 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पहले रिलीज़ हो चुके हैं, देयर वर 2 मूवीज़. और फिलहाल आई पुट माई सेल्फ एज अ इंडिविजुअल आर्टिस्ट, बिकॉज अपनी एक इंडिपेंडेंस रहती है, अपनी क्रिएटिविटी, एंड वी आर कार्विंग अ नीश वर्किंग ऑन आर ओन आइडियोलॉजीज. अपनी जो एक अपने एक हिसाब से हम अपना गाना क्रिएट करके वो बनाते हैं. लेकिन जब भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आएगा और जहाँ पर भी माई वॉइस कैन डू जस्टिस टू सर्टन प्रोजेक्ट, इट विल बी मोर देन वेलकम. मैम, अभी अपकमिंग सॉन्ग की आपकी बात करें तो क्या एक्चुअली सॉन्ग है, क्या थीम है, कौन से फेसेस उसमें दिख सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं? सो यू ऑल विल बी हैप्पी दैट आई एम अनाउंसिंग हियर एज वेल, माय 2 सॉन्ग्स आर कमिंग. माय फर्स्ट सिंगल विल बी रिलीजिंग ऑन द 20th अलॉन्ग विद अनदर सॉन्ग विच इज़ अ फोक सॉन्ग, पाकिस्तानी फोक सॉन्ग. दूसरा जो है वो मैंने एक पंजाबी सॉन्ग किया है. तो वी शैल बी ब्रिंगिंग दोज सॉन्ग्स टू यू very soon, and date is 20th. Peppy song, it's a Punjabi number. Here you go. Vikal sun yaara, viladi na dobara, ve tenu pata tere bin, saada koi ni sahara. Gusse vich manda changa bol de, main hans vich paa deniyan. मैं तो चाहना तेरे हर एक मन दी, मेरी तू ना मन जो मैं कहनी, बिना तड़पा सच
विमुक जन सा सजना विसा भी नहीं मुकनी वे मेरे सा तो यारा इसका मतलब है कि वे गलत सुन यारा, यारा मेरी बात सुन कि मुझसे फिर मत लड़ और मुझ पे यकीन कर, लड़ी ना दोबारा कि मुझसे फिर मत लड़। और बाकी ये कि दिल से दिल की बात है और आखिर में जो लवर्स हैं वो मान जाते हैं। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप फैंस से कहना चाहते हैं या जो आप लोग मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मीडिया, तो ऐसा कुछ मैसेज है आपका फैंस के लिए? मेरा फैंस के लिए मैसेज, मैं अपनी आवाज़ से हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी और ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट, इसीलिए मैं ये मैंने ज़रिया चुना कि मैं अपनी जो मेरी सोच है और अपनी जो मेरी आवाज़ है, मेरी आइडेंटिटी है, और मैं उसे अपना काम प्रेजेंट करूं। और जो मैं कर रही हूं, जो आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं, और बस यही है कि आपका प्यार बना रहे, आप हमें भी बेस्ट विशेस दें और भी बहुत जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर माइट नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द बिग म्यूज़िक लेबल्स, सब अपने उसी माध्यम से कि आपके पास अपना एक चैनल है, अपना एक यू नो योर ओन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया इज़ देयर, तो उसी ज़रिए से अपना टैलेंट पहुंचा रहे हैं। तो टैलेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी माध्यम हो, चाहे वो बिग बैनर से रिलीज़ हो या अपने छोटे चैनल से रिलीज़ हो, वो कभी रुकता नहीं है अगर वो प्रॉमिसिंग हो तो। थैंक यू।